कहानी के शुरू होते ही हम डेविड नाम के एक आदमी को कार ड्राइव करते हुए देखते हैं। शहर में हर तरफ बर्फ फैली थी और इस बर्फीले तूफान में गवर्नमेंट ने किसी को भी बाहर सड़क पर निकलने से मना किया था। खैर, डेविड अब एक रेस्टोरेंट में आकर रुकता है जिसकी ओनर है एना। एना के होटल के साधा रश नहीं है क्योंकि इस तूफान में ज्यादा लोग घर से बाहर निकलना अवॉइड ही करते हैं, इसलिए होटल स्टाफ भी एना का छुट्टी पर था। एना खुद भी यहाँ से जाने वाली थी लेकिन डेविड को देखकर रुक गई। वो डेविड को डेविड का ऑर्डर ला कर देती है और इस दौरान हम नोटिस कहते हैं कि वो काफी घबराई हुई है। उसे बाहर बाहर किसी की कॉल्स आ रही है। एकदम से उसकी नजर खिड़की के बाहर जाती है, वहाँ एक कार रुकी थी जिसे देखकर एना और भी डर गई थी। यानी कॉल्स करने वाला अब यहाँ तक पहुँच गया था। यह आदमी होटल के अंदर आते ही एना के साथ जोर जबरदस्ती करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे अपनी बेटी से मिलना है और एना उसकी एक्स वाइफ है। यह आदमी क्योंकि ड्रग एडिक्ट था इसलिए कोर्ट ने उसे अपनी बेटी से मिलने से मना किया हुआ था। अब इससे पहले कि यह आदमी एना को मारता या उसके साथ कोई और बदतमीजी करता, पीछे बैठा हुआ डेविड जो सब कुछ देख रहा था वो इस आदमी को रुक जाने को कहता है और उसकी यही हरकत एना के हस्बैंड का गुस्सा और बढ़ा देती है। उससे नहीं वो डेविड से लड़ने के लिए डेविड तक पहुंच जाता है लेकिन डेविड बहुत ही काम बैठा हुआ था जो उससे कहता है तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं इससे रहकर जेल चले जाओ या फिर आप आराम से घर जाओ, अपनी नशा छोड़ने की तैयारी करो और फिर जज से अपनी बेटी वापस ले लो। यह आदमी डेविड की पुलिस को बुलाने वाली बात से डर गया था इसलिए चुपचाप वो वहां से चला जाता है और उसका जाना एना को रिलैक्स कर गया था। ये सब डेविड की वजह से हुआ था। डेविड की समझदारी ने इस सिचुएशन इतने आराम से हैंडल कर ली थी और इसी वजह से एना डेविड से इंप्रेस हुए बगैर नहीं रह सकी। जब वो बैठ कर डेविड से बात करती है तो उसे पता चलता है कि डेविड मैरिड है। एना का एक्स हस्बैंड अब जाते हुए डेविड की कार का मिरर भी तोड़ गया था लेकिन डेविड उसके लिए भी खामोश रहता है। वो डेविड से अपने साइड मिरर को चिपका कर अपने रास्ते पे आगे बढ़ जाता है। तूफान बहुत तेज था, बारिश हो रही थी, आगे बढ़ना वैसे ही मुश्किल लग रहा था और साथ ही डेविड की कार का फ्यूल भी खत्म हो चुका था, इसलिए रास्ते में डेविड फ्यूल जलवाने के लिए रुक जाता है और इसी दौरान यहाँ से गुजरता है एना का एक्स हस्बैंड। उसे पहले ही डेविड पे गुस्सा था, वो अपना सारा गुस्सा यहाँ डेविड पे निकालना चाहता था लेकिन इससे पहले कि वो अपना प्लान अंजाम दे देता एक पुलिस कार इसी फ्यूल स्टेशन पे आकर रुक जाती है। डेविड जैसे ही फ्यूल भरवा कर आगे की तरफ बढ़ता है एना का एक्स हस्बैंड भी अब उनकी कार का लगातार पीछा कर देखता था और ये चीज डेविड ने नोटिस कर ली थी। डेविड जानता था ये वही आदमी है जिससे उसने होटल में पंगा लिया है और अब नुकसान पहुंचाए बगैर तो ये जाएगा नहीं। अपने आप को बचाने के लिए वो स्पीड तेज कर लेता है। उस आदमी से काफी दूर आने के बाद डेविड रोड के साइड पे अपनी गाड़ी लगाकर ऑफ कर देता है ताकि रात के अंधेरे में उस आदमी को डेविड की गाड़ी दिखे ही न। उसका यह प्लान वर्क भी कर चुका था। वो आदमी डेविड की कार के पास से गुजर जाता है पर उसे कार नहीं नजर आती। डेविड को डर था कि वो आदमी कहीं दोबारा इसका पीछा न करने लग जाए। इसे छुपने के लिए वो यही जंगल से निकलती हुई एक छोटी सी सड़क पर चढ़ जाता है। ये सड़क बहुत ही ज्यादा स्लिपरी थी, सुनसान इलाका था, डेविड को ज्यादा कुछ नजर भी नहीं आ रहा था और इसी स्लिपरीपन की वजह से डेविड की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो कार स्लिप होकर साइड पे गिर जाती है। डेविड ने काफी कोशिश की कि उसकी कार वहाँ पे सड़क पे आ जाए लेकिन कार के टायर्स बर्फ के अंदर फंसे जा रहे थे। मजबूरन अब वो गाड़ी से निकलता है और अपने हाथों की मदद से टायर्स के इर्द गिर्द से बर्फ हटाने की कोशिश करता है लेकिन ऐसी बर्फ की ठंडक ने उसके हाथ जख्मी कर दिए। उसे लग रहा था कि अब उसके हाथ टूट जाएंगे। मजबूरन वो अब वापस कार में बैठकर अपनी कार का हीटर ऑन करके अपने हाथों को सेक पे लग जाता है। डेविड समझ चुका था कि उसका अब यहाँ से निकलना नामुमकिन है तब तक जब तक कोई हेल्प के लिए आना। उसके मोबाइल में सिग्नल भी नहीं थे कि वो पुलिस को कॉल कर सके, मतलब पता नहीं कब आती क्योंकि गवर्नमेंट ने सड़कों पे लोगों को निकलने से मना किया था और ये तो वैसे ही बड़ी मेहरान सड़क थी। यही सोचते हुए उसने अपनी कार की बैटरी भी ऑफ कर दी थी। वो अब यहाँ एक सिगरेट लगाता है और उसे पीते पीते ही सो जाता है। सुबह उसकी आँख किसी जानवर के कुटाने की आवाज से खुली थी। कोई जंगली जानवर उसके आस पास था जिसके डर में डेविड अपनी कार से बाहर भी नहीं निकलता। टाइम उसके पास खाने पीने का कुछ भी नहीं था इसलिए वो अपना यूरिन भी स्टोर कर लेता है। डेविड के दिमाग में अब ये बात भी आती है कि अगर ऐसी ही गाड़ी यहाँ खड़ी रही तो बर्फ गाड़ी को पूरी तरह ढक लेगी, फिर कोई ये गाड़ी नहीं देख पाएगा और उसका यहाँ से निकलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो अब कार से बाहर निकलता है। दूरबीन से आसपास देखने पर उसे दूर कहीं धुआं नजर आ रहा था, यानी वहाँ इंसान रहते होंगे। इसी उम्मीद में वो कार से निकल जाता है, शायद वहाँ उसे कोई मदद मिल जाए। वहां जाने से पहले वो अपनी गाड़ी की डिक्की खोलता है और उसकी गाड़ी की डिक्की में हम बंधी हुई एना को देखते हैं। डेविड जिसे हम अच्छा इंसान समझ रहे थे वो एक किडनैपर था जिसने एना को किडनैप कर लिया था। वो कार से दूर जाने से पहले एना को वार्न करके जाता है कि इस कार से निकलने की कोशिश भी न करना लेकिन एना क्यों अपने किडनैपर की बात मानती। वो उसके जाते ही कोशिश करना शुरू कर देती है और उसके जो हाथ और मुंह टेप से बंधे थे वो उन्हें खोलने में कामयाब भी हो जाती है। अब वो इस गाड़ी से भी बाहर निकलना चाहती थी लेकिन कार की बैक साइड अंदर से नहीं खुल सकती थी, इसलिए वो कार के बैक स्पीकर्स को हटाते हुए कार के अंदर आने में कामयाब हो जाती है। कार के अंदर आते ही वो कार का दरवाजा खोल के बाहर भाग जाती है लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी और दूर दूर तक
उसे जब कोई इंसानी जगह नहीं नजर आती तो उसे बेहतर वापिस कार में जाने लगता है, जहाँ एटलीस्ट वो सर्दी से तो बच सकती थी। हाथ पाँव उसने अपने खुलवा गए थे, डेविड से भी मुकाबला करने के वो अब काबिल हो चुकी थी, इसलिए है ना कार के अंदर वापिस जाकर बैठ जाती है क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और दूसरी तरफ अब हम डेविड को देखते हैं, धुएं वाली जगह पहुंचने के चक्कर में वो कार से बहुत दूर आ चुका था और अब उसका पाँव भी एक गड्ढे में फंस कर टूट चुका था। उसकी हालत बहुत खराब थी, उसके पाँव से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, उसे यहाँ उठा नहीं जाता, लेकिन उसे हिम्मत करनी पड़ती है क्योंकि अगर वो कुछ देर ही ऐसे और बर्फ में पड़ा रहता तो मर जाता। डेविड अब रेंगते हुए वापस कार के पास आने का फैसला करता है, जहाँ एना अब कार में से अपने बचाव के लिए चीजें ढूंढ रही थी, लेकिन उसे यहाँ टेप और क्लोरोफॉर्म के अलावा कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो इन दोनों चीजों को अपने पास संभाल के रख लेती है। हम देखते हैं कि डेविड भी घसीटता हुआ कार के पास आ चुका था, वो कार का दरवाजा खोलकर कार के अंदर बैठ जाता है। अपनी पेंट कार के अपना जख्म देखने पर उसकी भी हालत खराब हो गई थी क्योंकि उसकी टांग की हड्डी इतनी बुरी तरह टूटी थी कि गोश्त को पार करते हुए वो बाहर निकल आई थी। दर्द में वो बहुत बुरी तरह चला रहा था, उसने अपने पास पड़ी एक वायर को अपने टांग के ऊपर की तरफ बांध लिया ताकि ज्यादा ब्लीडिंग न हो। अपने अंदर थोड़ा कम करने के लिए वो यहाँ जैसे ही हीटर ऑन करता है तो उसे पता चल जाता है कि उसकी कार में छेड़छाड़ की गई थी। वो समझ गया था कि एना के अलावा तो यहाँ कोई हो ही नहीं सकता। इससे पहले कि वो अपना चाकू उठाकर पीछे एना के ऊपर वार करता, एना उसे ही अचानक से क्लोरोफॉर्म सुखा कर बेहोश कर देती है। बेहोशी में ही उसने ख्वाब देखा जहाँ वो इसी बर्फीले जंगल में है, सामने उसके मरा हुआ जानवर है और उसके दोनों हाथों पे खून लगा है। ये ख्वाब देखते ही वो डर कर उठ जाता है। होश में आने पर वो देखता है कि एना ने उसके हाथ स्टेरिंग से बांध दिए थे और उसकी गर्दन को सीट से। एना उससे सवाल करती है कि तुम मुझे यहाँ कहाँ ले आए हो और मेरा फोन कहाँ है। जब आपने डेविड बताता है कि तुम्हारा फोन मैंने फेंक दिया था और हम इस टाइम कहाँ आए ये मुझे भी याद नहीं क्योंकि मैं रास्ता भटक गया था। एना उससे कहती है जो भी है अब तक मेरी मॉम ने पुलिस को कॉल कर दी होगी, पर डेविड बताता है ऐसा नहीं किया होगा क्योंकि तुम्हारा फोन फेंकने से पहले मैंने तुम्हारी मॉम को मैसेज कर दिया था कि तुम अपने एक्स हस्बैंड के साथ हो। और ये सुनकर एना बिल्कुल शॉक हो गई। एना उसका वॉलेट और फोन नहीं है लेकिन उसके फोन में भी सिग्नल नहीं थे। यहाँ डेविड उससे कहता है बेशक मैं तुम्हारी कैद में हूँ लेकिन फिलहाल हम दोनों मुश्किल में हैं और हम दोनों के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक ही कार ही सोर्स है, इसलिए हमें इसका इस्तेमाल देख भाल कर करना चाहिए। एना उसकी बात मानते हुए कार का हीटर बंद कर देती है ताकि कार की बैटरी खत्म ना हो जाए। इसके बाद वो डेविड का फोन चेक करती है जहाँ पे बहुत सारी फेक आईडीज थी जिसका साफ मतलब था कि डेविड एक फ्रॉड आदमी है और कभी वो एक जगह टिक कर नहीं रहता। एना बहुत ज्यादा थकी हुई थी, उसे नींद भी आई, इसलिए वो डेविड की कार में रखी हुई बच्चों वाली सीट को उठाकर कार से बाहर फेंक देती है ताकि वो यहाँ आराम से सो सके। लेकिन डेविड के होते हुए आराम से कैसे सो सकती थी, इसलिए सोने से पहले वो डेविड को भी क्लोरोफॉर्म सुखा कर बेहोश कर चुकी थी। इस मरतबा भी बेहोशी में डेविड वही ख्वाब देखता है जो उसने पहले देखा था। इस पर पीली जगह पे एक मरा हुआ जानवर जिसका खून डेविड के हाथों पे लगा था। घर के बाहर इस मरतबा भी डेविड होश में आ जाता है, लेकिन होश में आते ही वो देखता है कि एना पहले से ही जाग चुकी थी और टेकी फौरन बाद एना को भी वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ी थी, इसीलिए वो गाड़ी से बाहर निकल जाती है। और ये मौके का फायदा उठाते हुए डेविड अपनी गाड़ी को पूरी तरह लॉक कर देता है ताकि एना बाहर ही फंस जाए। उसकी इस हरकत से एना झिझला चुकी थी, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। अगर उसे जिंदा रहना था तो वो गाड़ी के अंदर ही रह सकती थी, इसीलिए अब वो बेबी सीट जो उसने पहले उठाकर गाड़ी से बाहर फेंकी थी उसकी मदद से गाड़ी की विंडो तोड़कर गाड़ी के अंदर आ जाती है। विंडो टूटने की वजह से गाड़ी का टेम्परेचर भी बहुत डाउन हो गया था, उससे वो सीट बेल्ट की मदद से डेविड को कत्ल करने की कोशिश करती है। और इससे पहले कि डेविड मर जाता एना के जहन में आने वाला कोई अच्छा ख्याल उसे ऐसा करने से रोक देता है। टूटी हुई खिड़की से लगातार आने वाली स्थिति इनको मार देती है, इसलिए एना टेप से उस सारी खिड़की को बंद कर देती है। इस सब के बाद एना हम डेविड का फोन चेक करती है, उसे डेविड के फोन में काफी सारी अपनी और अपनी फैमिली की फोटोज मिली जिससे उसे साफ पता चल गया कि डेविड ने एक ही दम से उसकी होटल में आके उसे किडनैप नहीं किया था बल्कि वो तो काफी अरसे से उसको किडनैप करने की प्लानिंग कर रहा था। परेशान है ना अब उसकी गाड़ी चेक करती है जहाँ उसे बहुत सी लड़कियों की आईडी मिलती है और इससे वो ये भी जान लेती है कि है ना वो पहली लड़की नहीं जिसे डेविड ने किडनैप किया हो बल्कि वो पहले बहुत सी लड़कियों को किडनैप करके मार चुका है। वो एक सीरियल किलर है। जुनिला कहना डेविड से सवाल करती है तुम इतनी सारी लड़कियों को कैसे मारती हो और आज तक कितनी लड़कियों को मारा है। जवाब में डेविड कहता है याद नहीं। क्या वो एना को अपनी पहली किलिंग की स्टोरी सुनाना शुरू करता है। सबसे पहले लड़के को बेवकूफ बनाकर मारने के लिए उसने पूरी प्लानिंग की थी। उसने अपना हुलिया शरीफ बना लिया, अपने हाथ में एक अंगूठी पहन ली जिससे वो मैरिड लगे और अपनी गाड़ी की बैक साइड पे एक बच्चों वाली सीट रख ली जिससे ये फील हो कि वो एक फैमिली वाला है और ऐसे किसी काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। घंटों से गाड़ी चलाने के बाद उसे एक लड़की मिली जिसे लिफ्ट चाहिए थी। डेविड बताता है
उसे गाड़ी में बिठा लिया। पहले पहले तो सब नॉर्मल चल रहा था, वो मेरे से फ्रैंक हो चुकी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरी बात ही उससे डराने लगी। वो पुलिस को कॉल ही करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही मैंने उसे पकड़ कर चाकू से मार डाला। डेविड बताता है वो मेरा पहला मर्डर था, और उसके बाद मैंने अनगिनत मर्डर किए जिनमें से कुछ तो अभी तक मुझे याद भी नहीं। उसकी बात ही है ना खुद डरा रही थी, इसलिए ना उसके मुंह पे टेप लगा देती है। डेविड सो जाता है और रेना भी यहाँ सोने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से उनकी कार के ऊपर कोई हमला कर देता है। ऐसा लग रहा था कि कोई जंगली जानवर है, लेकिन जब वो क्रिएचर उनकी कार के फ्रंट मिरर पे हाथ मारती है, तब जाकर इन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर कोई इंसान है या इंसान जैसी है। इससे पहले कि क्रिएचर इनकी कार तोड़कर इन्हें मार देता, रेना जल्दी से कार स्टार्ट करती है और बहुत मर्तबा कार को हॉर्न दे देकर उसे यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाती है। डेविड इस क्रिएचर के यहाँ तक पहुँचने का जिम्मेदार एना को मान रहा था, लेकिन एना उसे याद करवाती है कि उसका खून जो बाहर बर्फ में पड़ा है उसकी वजह से ही क्रिएचर की यहाँ आई। डेविड का जख्म अब बिल्कुल काला पड़ चुका था, उसके पास वक्त बहुत कम था, ये भी हो सकता था कि वो यही मर जाता। एना यहाँ डेविड को इस क्रिएचर के बारे में बताती है और कहती है ये क्रिएचर कोई इंसान नहीं थी, बल्कि ये एक रूह थी, एक भूत था। यहाँ पर रहने वालों का मानना है कि ये क्रिएचर यहाँ पे आए बुरे लोगों को उठाकर मार देती है, और अपने शिकार को मारने से पहले वो उसके ख्वाबों में आकर उसे डराती है। ये सुनकर अब डेविड पूरी तरह डर चुका था, क्योंकि उसे भी ख्वाब में कई मरतबा एक क्रिएचर नजर आई थी। उन तीनों बातों के दौरान उनकी कार की बैटरी भी खत्म हो जाती है, जिससे हीटर बंद हो जाता है। अब इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मजबूरन इन दोनों को करीब आना पड़ा, ताकि एक दूसरे की बॉडी हीट से ये लोग जिंदा रह सके। डेविड को लग रहा था कि वो अब यहाँ मरने वाला है, इसलिए वो एना को अपनी कहानी बताता है कि आखिर क्यों वो उसने ये मर्डर्स करना शुरू किए। वो जब छोटा था तब उसकी मोम उस पर बहुत जुलम करती थी, और इसी वजह से वो इतना सख्त हो गया। उसने सबसे पहले अपनी मोम को मारा था, और अब इन लड़कियों को मार कर वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करता था, लेकिन असल बात ये थी कि वो लड़कियों से डरता था। एना भी यहाँ अपनी दुखिया स्टोरी सुनाती है कि जब वो भी छोटी थी तो उसकी डैड उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। सालों तक वो ये सब बर्दाश्त करती रही, और फिर एक दिन उसने अपनी मॉम को सब सच बता दिया, जिसके बाद उसके डैड को जेल हो गई। एना को लग रहा था कि मरते हुए डेविड के दिल में रहम आ गया है, इसलिए वो एना के साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, लेकिन वो तो ये सब करके सिर्फ एना को बेवकूफ बना रहा था। एना को बातों में लगा कर वो अपने हाथ पांव छुड़वा चुका था, और इससे पहले कि एना को समझ पाती वो एना का गला घोट कर उसे मारने की कोशिश में लग जाता है। अभी एना पूरी तरह मरी नहीं थी कि अचानक कोई उनकी कैरी का दरवाजा खुलता है। बाहर से अंदर आने वाली वही स्पिरिट वही क्रिएचर थी जिसकी कहानी एना ने डेविड को सुनाई थी। साथ में वो एना को भी ले जाने वाली थी, लेकिन एना अपने आप को बचाने के लिए अपनी वो जैकेट ही उतार देती है जिससे उसके क्रिएचर ने पकड़ा हुआ था। ऐसे क्रिएचर के हाथ सिर्फ डेविड ही लगता है। डेविड के यहाँ से ले जाने के बाद एना जल्दी से अपनी कार को लॉक कर लेती है, और वो क्रिएचर दोबारा यहाँ आकर उसे ढूंढना नहीं इसे इनके बुखार के ट्रंक में छुप जाती है। उसने कोई मोटे कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, शायद सर्दी अब उसे मार देती, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। ये बर्फीला तूफान रुक जाता है, और बर्फीले तूफान के रुकते ही बर्फ हटाने वाली गाड़ियां यहाँ आ जाती हैं। उसके ड्राइवर की नजर इस कार पर भी पड़ जाती है। जैसे ही इस कार के पास आता है तो उसे यहाँ मरे हुए डेविड के ऑर्गन नजर आ रहे थे। गाड़ी को अच्छी तरह चेक करने पे उसे गाड़ी में कोई नहीं मिला, लेकिन फिर जब वो गाड़ी की डिक्की खोलता है तो वहाँ एना थी। सर्दी की वजह से उसकी हालत काफी खराब थी, लेकिन अभी भी वो जिंदा थी, जिसे अब रेस्क्यू कर लिया जाएगा, उसकी जान बच जाएगी। और यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।